₹150 में हाफ प्लेट जो है वो बीफ के आइटम की हम आपके कस्टमर्स को, आपके व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर को ऑफ़र करेंगे और वो खा के ये बोलेंगे कि वाकई में हमने कोई आइटम खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर हमारे आके खा चुके हैं वो ख़ुद आपकी वीडियो पे आके अपने कमेंट्स करेंगे और क्वालिटी में भी कोई फुकदान नहीं है। शायद हम कराची का पहला ऐसा रेस्टोरेंट हो गए जो फ्रेश मीट पे काम करते हैं और इसी वजह से ट्यूसडे को हमारी शॉप क्लोज़ होती है। फ्रेश मीट नहीं मिलता, हम अपनी शॉप क्लोज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शफीक और आप देख रहे हैं मुझे ऑब्वियसली ओनली ऑन दमदार पॉइंट। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, कहां मौजूद हूं, लियाकतबाद में मौजूद हूं और यहां पे मैं आपको खिलाने वाला हूं। क्या खिला रहा हूं, क्या खिला रहा हूं? अच्छा, ईद डील्स खिला रहा हूं भाई। ईद गुजर चुकी है लेकिन उसके अलावा ईद के बाद भी अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, किसी ने कहा था कि यार लियाकतबाद आओ तो लियाकतबाद में मौजूद हूँ मैं। ये है मर्स फूड और मर्स फूड की क्या खासियत है, यहाँ पे मिली है थाली। थाली के अलावा यहाँ पे और भी बेहतरीन चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थाली भी आपको दिखाऊंगा, थाली के अलावा यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या डिशेस हैं, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, खिलाने वाला हूँ। तो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत व्लॉग का, इस खूबसूरत से वीडियो का, क्योंकि किसी का भाई और किसी की जान ऐसा उल्टा हो गया, तो ईद की सरप्राइज़ थी बहाल। और थाली के अलावा बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ पर कबाब, कबाब के जायके, क्या जायके हैं और कितने की प्लेट है। अभी तक ये सस्ती प्लेट है लियाकतबाद की जो कि आपको मिलेगा दमदार पॉइंट के बिहाफ से। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं खाने में क्या है। आइए तो व्यूअर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो ऑनर मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है थाली के राज और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, ये सब जानेंगे। पहले तो बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कामन भाई? खरी से अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कामन भाई, आज आपको हम कबाब थाली जो कि ऑलरेडी फेमस है वो हम आपको टेस्ट कराते हैं। उसमें सबसे पहला आइटम है स्पाइसी रेड पेपर कबाब। सही है, जो अभी आपने लगाया स्पाइसी रेड पेपर कबाब। अभी दूसरा कौन सा लगा रहा? ये है इंडियन कबाब है, जबलपुरी ब्लैक पेपर बीफ कबाब। वही माशाल्लाह बड़े इंग्लिश नाम आ रहे हैं, अभी आप देखते रहे। और ये है औरंगी बिहारी पसंदे स्पेशल कबाब, ये बिहारी धागा कबाब, ये है चिकन लेमन पेपर कबाब, ये है कस्तूरी चिकन, ये तुर्किश अदाना कबाब। ये आपने इतने सारे लगा दिए एक ही प्लेट में? ये एक थाली है, छः लोग सिक्स आइटम होते हैं इसकी बीफ की, ₹1000 की, जिसमें 5 आइटम बीफ के होते हैं और 1 आइटम चिकन का होता है, मगर ये आपके लिए स्पेशली 3 आइटम चिकन के लगे हैं। ये थाली का पार्ट नहीं है, थाली का पार्ट सिर्फ 5 आइटम बीफ के, 1 आइटम चिकन के। ये आपकी तशरीफ़ आवरी और आपके व्यूवर्स की अवेयरनेस के लिए मैंने ये बात मेंशन की है। तो ये थाली का पार्ट नहीं है, थाली के अंदर जब वो आएंगे तो 5 आइटम बीफ के, 1 आइटम चिकन का होगा ₹1000, और चिकन थाली जो है उसके अंदर 5 आइटम चिकन के होते हैं और 1 आइटम बीफ का होता है। उसकी कॉस्ट जो है वो 1400 है, मगर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है आपके व्यूवर्स के लिए कि ₹150 के अंदर भी इंसान का पेट भरा जा सकता है। मार्ट फूड पे आके हम ₹150 में हाफ प्लेट जो है वो बीफ के आइटम की हम आपके कस्टमर्स को, आपके व्यूवर्स को, आपके सब्सक्राइबर को ऑफ़र करेंगे और वो खा के ये बोलेंगे कि वाकई में हमने कोई आइटम खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। लियाकतबाद का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जब आएंगे खाएंगे तो उनको खुद आइडिया होगा कि इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। और अक्सर मैंने आपकी और डिफरेंट वीडियो पे भी ये देखा है कि अगर कोई शख्स ईमानदारी से कम प्रॉफिट पे काम कर रहा होता है ना, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि गोश्त की क्वालिटी। देखें, हमारे दीन के अंदर आप सल्लम ने बोला है कि दुनिया की आपके पास दौलत आ जाए, अगर दो दौलत नहीं है ना आपके पास, आपकी वो दुनियावी दौलत बेकार है। एक, आपको दूसरे की बात पे, अपने मुसलमान भाई की बात पे यकीन ना करना, और सबसे बड़ी बात अखलाक की दौलत। अल्हम्दुलिल्लाह हम अखलाक से भी माला माल हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो कस्टमर हमारे आके खा चुके हैं वो ख़ुद आपकी वीडियो पे आके अपने कमेंट्स करेंगे और क्वालिटी में भी कोई फुकदान नहीं है। शायद हम कराची का पहला ऐसा रेस्टोरेंट होंगे
जो फ्रेश मीट पे काम करते हैं, और इसी वजह से ट्यूसडे को हमारी शॉप क्लोज़ होती है। फ्रेश मीट नहीं मिलता, हम अपनी शॉप क्लोज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मुख्तसर सी बात यह है कि आप यहाँ पे आएँ, चेक करें, देखें पहले आप, उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि गोश्त कैसा है। गोश्त मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, फ्रेश मुझे नज़र आ रहा है, और उसके बाद मैं अगर खाऊँगा, तारीफ़ करूँगा, तो आप बोलेंगे यार पता नहीं कितने पैसे ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्ट फूड ने ज़ीरो पैनी भी किसी को प्रमोशन के लिए नहीं दिया, और आगे भी इंशाल्लाह नहीं देंगे। जो हमने देना है ना, वो हमने पब्लिक को देना है, और पब्लिक खाती है। और कराची का टॉप रेटेड बारबेक्यू है, गूगल पे जाइए, मार्ट्स फूड लिखिए, आपको प्रोडक्ट के भी रिव्यू मिल जाएंगे, सर्विस के भी, हॉस्पिटैलिटी के भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता दें, मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। मेरा कोई भी जो कस्टमर रिव्यू देता ना, वो फुप्पी खाला का बेटा नहीं है, वो सब जेन्युइन रिव्यू होते हैं। इंशाल्लाह आप भी आएंगे तो आप भी अपना रिव्यू दें। ओपन फोरम है सोशल मीडिया, उसके ऊपर आप जो चाहें लिखें, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। मैं कतई तौर पे ये नहीं बोलता कि आप अच्छा लिखें, मैं यही अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ कि आप अपना जेन्युइन रिव्यू दें। लोकेशन भी थोड़ा सा इन लोग बता दीजिएगा। लोकेशन अगर आप लियाकताबाद से वाकिफ़ हैं, तो लियाकताबाद 10 नंबर से लेके डाखाने तक एक ही शेल का पेट्रोल पम्प है उल्टे हाथ पे। अगर आप लियाकताबाद 10 नंबर से आ रहे हैं तो उसी गली में आप इंटर हो, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं, आगे जाके ख़त्मे नबूवत चौक है, वो सामने आपको नज़र आ जाएगी। अगर किसी को लोकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे वो कांटेक्ट कर ले। 03000 यानी कि 03000996149। अच्छा, ट्यूसडे को हमारी शॉप क्लोज़ होती है, हम रात 7 बजे से लेके 1 बजे तक अवेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट ट्यूसडे। सैटरडे को हम 2 बजे तक होते हैं, बाकी दिन हम 1 बजे तक होते हैं। ये जो मर्स फूड की क्वालिटी है वो ये है कि यहाँ पे जो इनका एक्सपीरियंस है सालों से, मतलब ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल कुछ महीने हो गए, लेकिन सालों से एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट लाइफ का, रेस्टोरेंट में बहुत काम कर चुके हैं भाई साहब, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। यहाँ पे इनको ज़रूरत है कि हम जितना इनको प्रमोट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी जितना हो सकता है, आप लोग भी आइए। लियाकताबाद के जितने भी लोग हैं ज़रूर यहाँ पर आइए, ट्राई कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा फूड क्वालिटी कैसी है, खा के देखें, मज़ा आएगा। ओके व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थाली रेडी होना शुरू हो चुकी है, और इसमें 4 पराठे ऐड हो चुके हैं, और उसके बाद अच्छा ये कौन सा कबाब रखा आपने? ये रेड पेपर कबाब है। रेड पेपर कबाब आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया ये इंडियन जबलपुरी कबाब। इंडियन जबलपुरी कबाब भी आ गए यहाँ पे, 2 कबाब ये ऐड हो चुके हैं। ये औरंगी बिहारी पसंदे कबाब आ गए, बिहारी पसंदे जो कि माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए। ये बिहारी धागा कबाब, ये आ गया बिहारी धागा कबाब। उसके बाद 4 चीज़ हो गई भाई यहाँ पे, और 5वीं चीज़ ये चिकन लेमन पेपर कबाब। चिकन, अच्छा ये 5 चीज़ें हो गई हैं। वैसे थाली जो है ऑलमोस्ट 1000 रुपये की यही पड़ेगी। 1000 रुपये की 6 आइटम है, 6 आइटम उसमें 5 आइटम बीफ के, 1 आइटम चिकन का है। ये है कस्तूरी चिकन। कस्तूरी चिकन यानी कोई अगर चिकन ये वाला ऐड करवाए हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर वो डे स्पेशल के हिसाब से अलग अलग आइटम। बिल्कुल, अच्छा डे स्पेशल तो तर्किश अदाना भी है और कस्तूरी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। ये स्पेशल आपके लिए थाली कंप्लीट हो गई 1000 रुपये में, 6 आइटम ये आपके लिए, ये मैंने लगाया कॉम्प्लीमेंट। हाँ तर्किश अदाना का भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री लगाया, अदरवाइज 6 आपको जो है वो मिल जाएंगे। और इनका डे स्पेशल क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पे आ गया, एक कबाब, 2 3 4 5 6 तो 6 आपको मिल रहे हैं। उसके बाद देखें रोटी आ चुकी है, और 1 2 3 4 4 पराठे जैसा कि उन्होंने भाई ने बोला, ये 1000 रुपये की आपको थाली पड़ रही है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑयल इतना नहीं है जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, एक होता है ना कि वो बिल्कुल साफ़ शफाफ से चेहरे नज़र जैसे होते हैं, खूबसूरत चेहरे वैसे ही खूबसूरत पूरियाँ आपको दिख रही हैं खाने को। सॉरी पराठे हो गए, पूरी पराठा बड़ा खूबसूरत है, मेकअप करके लेके आए इसको लग रहा है यहाँ पर। तो बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने, और प्लस हो गई यार ये तो, मतलब 2 रोटियाँ भी आ गए, 2 नान भी आ गए, ज़बरदस्त हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री फिर बता दूँगा, ये आप लोग बोलेंगे भाई 6 नहीं 7 लगे हुए, तो 6 आपको मिलेंगे। और इनके फ्लेवर के हिसाब से अगर मैं आपको डेज़ के हिसाब से बताऊँ, तो जैसे मैं आया हूँ, अगर आज मैं आया हूँ तो थर्सडे के हिसाब से मुझे मिल रहा है, आपको जो मिलेगा वो डेज़ के हिसाब से कुछ ऐसा होगा कि आप देख सकते हैं। मंडे को जो है बेसिल चिकन प्लेट, फिर मंडे को अंगारा कबाब, उसके बाद फिर वेडनेसडे, ट्यूसडे को क्लोज़ होती है शॉप, खुदा का वास्ता ट्यूसडे को मत आइएगा। वेडनेसडे को देख लें, वेडनेसडे के मौजूद हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे मौजूद हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको मिलेंगे ये कबाब यहाँ पे, यानी जब आप प्लेटर या थाली जो आप डिज़ाइन करवाएंगे
तो एक जो दो कबाब मिल रहे होंगे आपको, वो इसके डेज के हिसाब से आपको मिल रहे होंगे। ओके व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये जो कबाब अभी आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली आपको एक प्लेट, यानी अगर आप चाहें तो आपको एक प्लेट पड़ जाती है 150 रुपये की, यानी 150 की आपको पड़ी है हाफ प्लेट। हाफ प्लेट में एक सीख जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और हाफ़ प्लेट को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और 150 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। पराठा आपको खुद से मंगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिखा दूँ, इसमें आपको मुख्तलिफ कबाब मिल सकते हैं, जैसे बीफ बिहारी बोटी मिल जाएगी आपको, स्पाइसी गोला कबाब, ब्लैक पेपर कबाब, बिहारी धागा कबाब, मैक्सिकन चिकन बोटी, चरगा मसाला बोटी वगैरह, ये सब आपको जो है, अच्छा ये 350 की हैं तो ये आपको 150 की नहीं पड़ेंगी। 150 की जो आपको प्लेट मिल रही है वो आपको मिल रही है बीफ बिहारी बोटी, स्पाइसी गोला कबाब, ब्लैक पेपर कबाब, बिहारी धागा कबाब, 150 रुपये की प्लेट आपके सामने है। ये आप 150 रुपये की एक प्लेट मंगाएं, ये आपको मिल जाएगा। पराठे आपको खुद से एडजस्ट करने पड़ेंगे, या फिर आप रोटियां खाना चाहें तो रोटी मंगवा लीजिएगा, लेकिन ये आपको चार फ्लेवर्स जो मैंने आपको बताए हैं, फ्लेवर यानी बता रहा हूँ कबाब के वाले से जो आपको मैंने बताए हैं जायके, ये जायके आपको 150 रुपये की प्लेट यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको भी खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ एक भाई साहब जो कि इस वक्त इन्होंने खास करके एक प्लेटर खाया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा लगा प्लेटर, ये जो थाली थी, सॉरी प्लेटर, बोला बहुत अच्छा था। इस पैसों में ये जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है, जायका भी अच्छा था, और ये जो चार पांच किस्म के इन्होंने जो क्वांटिटी रखी है, क्वांटिटी भी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा था, और रेट भी बड़े मुनासिब हैं। जी, रेट भी काफ़ी मुनासिब। दो बंदे खा सकते हैं? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। दो बंदे, मैं तो थोड़ा आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा लिया, लेकिन दो बंदे आराम से खा सकते हैं। दो बंदे आराम से खा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मुझ जैसे तीन खाएंगे भाई? हाँ, आप जैसे तीन खाएंगे। तो इसके काफ़ी सारे कबाब लगे हुए थे, यानी डे के हिसाब से भी कबाब हैं इनके, वो भी आपको आइडिया हो गया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी आज जो है वो थर्सडे तो तुर्किश वाला लगेगा, अगर फ्राइडे होगा तो कोई और सा कबाब लग रहा होगा, तो ये भी इनका एक कैलिबर है। जी, इनके मेन्यू में ना अलग अलग दिन के हिसाब से कबाब हैं, तकरीबन 5 दिन के हिसाब से 5 इनके हैं। अब आप जो मैं रात को आए थे तो हम यार थर्सडे के हिसाब से कबाब जो है वो सर्व हुए सर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने भी निकाली, वो कि अभी अपडेट हुई है, हाफ प्लेट भी यहाँ पर मिल रहा है। जी, मुझे इसके बारे में इल्म अभी हुआ है आपसे, तो इंशाल्लाह फिर हाफ प्लेट भी कभी आगे ट्राई करेंगे। हाफ प्लेट का मकसद ये है कि वो लोग जैसे मिसाल के तौर पे कभी आप आए, एक प्लेट तो आप माशाल्लाह खा ही सकते हैं, हाफ प्लेट उन लोगों के लिए है कि जो लोग यानी अफोर्ड नहीं कर पाते, हमने उनके लिए एक हाफ प्लेट का इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो हाफ प्लेट भी यानी 150 के तौर पर खा सकते। ये अच्छे, ये उनका एक अच्छा कदम है, और अच्छी बात है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी हाफ प्लेट लेके खा सकते हैं, मतलब टेस्ट भी उनको आइडिया हो जाएगा कि कैसा जायका है। वैसे सारे कबाब आपने ट्राई किया, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? मुझे सबसे अच्छा जो इनकी जो बिहारी बोटी, जो औरंगी बिहारी बोटी, वो इनकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो स्पाइसी भी है और बहुत ज़्यादा गलावट उसमें थी, पसंदे टाइप जो है आई पसंदे टाइप, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी। जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बहुत अच्छा हो गया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, कैसी लगी एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा, और एज यूजुअल कि हमने आपको दिखाया यहाँ पर प्लेटर, सॉरी थाली, और ये जो थाली है 1000 रुपये की, और बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग दो बंदे तीन बंदे आराम से, दो बंदे आराम से खा सकते हैं। उसके अलावा हाफ़ प्लेट भी यहाँ पे मौजूद है, जो एक बंदा खाना चाहे हाफ प्लेट भी ट्राई कर ले, या फिर वो लोग जो कि खाना चाहते हैं कुछ भी उनका मूड है तो हाफ प्लेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसी के साथ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट अच्छे अच्छे किया करें और शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने को, यानी इतनी प्यारी प्यारी थालियाँ आपको खाने को मिलती रहें। और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह हाफिज़।